तो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है मजदूरों की, काम करने लोगों की। आपू रोड में तोड़ तो वैसे रेलवे ट्रैक पे आपने पत्थर बहुत बार देखे होंगे, बट अभी मुझे मिला कोयला। 30 रुपए प्लेट का, 2 बड़े 2 पाव। पाव गर्म नहीं है, बड़े गर्म रहेंगे। ट्रेन चलती है, चलो भाई लोग चलते हैं। बाय बाय। चलो गाइस, गेट तो बंद हो गया हमारा। ओ भाई, ओ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। तो अभी मैं हूँ पालम रेलवे स्टेशन। तो आज हम ले रहे हैं ट्रेन नंबर 14321, जो कि है अला हजरत एक्सप्रेस। और जो अपनी ट्रेन है ये आज मैं दिल्ली के पालम से लेके भुज तक ले रहा हूँ। वैसे ट्रेन के आने में अभी समय है करीबन 20 मिनट, तो वेट करते हैं, ट्रेन आती है ट्रेन बोर्ड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे ट्रेन आते ही, ट्रेन निकलते ही सबसे जो अमेजिंग नज़ारा दिखने वाला वो है दिल्ली के एयरपोर्ट का, क्योंकि यहाँ से करीबन सिर्फ 1 किलोमीटर है। और इस ट्रेन में हमारा जो इंजन लगा है वो है वेब 5 बड़ोदरा का। तो गाइस, जर्नी शुरू हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पालम से लेके गुड़गांव तक का सफ़र मैंने तय किया स्लीपर क्लास S11 के अंदर, जबकि मेरा कोच S1 है। S1 बहुत आगे था और मैं बहुत पीछे खड़ा था। सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप था पालम में, तो जहाँ जगह मिली वहीं घुस गया। यहाँ भी सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप है। ट्रेन की बात करें तो इस ट्रेन के कुल 47 स्टॉप है, तो नंबर ऑफ स्टॉप बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जो ड्यूरेशन है बहुत ही कम रखा गया है। सो गाइस, पूरे 160 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके हम पहुंचे अलवर जंक्शन। ये रेलवे स्टेशन 1875 में स्टार्ट किया गया था और यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो AWR है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म है और 5 जो है वो ट्रैक्स हैं। और यहाँ पे 4 मेजर लाइन्स है, जो की है अहमदाबाद दिल्ली, दिल्ली जयपुर, रेवाड़ी मथुरा एंड अलवर मथुरा लाइन। हॉर्न मिल चुका था, अब निकलने वाले हैं। वैसे यहाँ पे जो स्टॉप था वो करीबन 3 मिनट का था।
सो गाइस थोड़ी सी आपको अपडेट दे देता हूँ। फिलहाल हम हैं जयपुर जंक्शन क्रॉस किया हमने, और जयपुर जंक्शन क्रॉस करने के बाद हमारा अगला जो स्टेशन था वो पिलखुआ होने वाला था, पर एक अनऑफिशियल स्टॉप हुआ जिसकी वजह से जो हमारा कोच है जो कि S1 है जनरल के जस्ट पीछे आता है, तो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है मजदूरों की, काम करने लोगों की, मतलब पैसेंजर ट्रेन वाली जो भीड़ होती है वैसी भीड़ हो रही है, वैसी हालत हो रखी है इसकी। और इस टाइम इस कोच के अंदर इतने ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई टिकट नहीं है, बट सिंस हमारी ट्रेन का अनऑफिशियल स्टॉप यहाँ पे हो गया और हमारा कोच जनरल के जस्ट पीछे कोच था और जनरल भरा हुआ था, तो इसमें लोग खचाखच भर गए हैं। एक और बहुत ही मज़ेदार बात मुझे पता चल रही है यहाँ पे, वैसे तो कहा जाता है कि वेटिंग पे आप ट्रैवल नहीं कर सकते, बट यहाँ पे अलग ही सीन है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आप एक से अधिक टिकट कराते हैं उसमें से एक भी कंफर्म होती है तो बाकी टिकटें कैंसिल नहीं होती और आप वेटिंग में ट्रैवल कर सकते हैं। सुबह स्लीपर क्लास के 11 डब्बे कुछ इस तरफ है, यहाँ पे हमारा ये डोर है और ये एक शटर है जिसके आगे एक मात्र जनरल है जिस ट्रेन के आगे लगा हुआ है। सो एक जनरल को जहाँ पे लगा हुआ है और एक जनरल को ट्रेन के उस तरफ लगा हुआ है। So guys, I'm looking for a friend. सो गाइस पहुंचे हैं अजमेर जंक्शन पे, भूख लगी हुई थी सर, डिनर कर लेते हैं, ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड थे, हमने पूरी सब्जी लिया। तो गाइस जो भी था पूरी सब्जी थी, काम चलाओ थी, फिनिश कर लिया। और वैसे यहाँ पे ट्रेन का स्टॉप है करीब 10 मिनट का स्टॉप है, पर करीबन 20 मिनट से रुके हुए हैं। खैर मेरे लिए अच्छी बात है बिकॉज आई एम मीटिंग माई फ्रेंड, यू ऑलरेडी नो हर नाउ। वैसे गाइस अजमेर में कुल 5 प्लेटफॉर्म्स है और जो आज हमारी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे ही आई है, और यहाँ से 3 मेजर लाइंस निकलती है, एक है अहमदाबाद दिल्ली, जयपुर अहमदाबाद, अजमेर एंड चित्तौड़गढ़ की लाइन। गाइस पूरे 750 किलोमीटर का रास्ता तय करके अब हम पहुँचे हैं अबू रोड, जो कि राजस्थान के अंदर आता है और ये राजस्थान के अंदर आखिरी रेलवे स्टेशन है गुजरात में एंटर करने के पहले, साथ ही इसके गेटवे भी कहा जाता है। यहाँ पर जो पॉपुलर हिल स्टेशन है माउंट आबू, उसके लिए जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो अबू रोड ही है। स्टेशन कोड की बात करें तो इसका स्टेशन कोड ABR है और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म से यहाँ पे 3 है, और ये स्टेशन करीब 1881 में पहली बार शुरू किया गया था, और आज के डेट में ये स्टेशन फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है तीनों ट्रैक्स के ऊपर। वैसे अबू रोड भी उन रेलवे स्टेशन में से एक है जहाँ पे इस ट्रेन का जो है करीबन 10 मिनट का स्टॉप है। जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ स्टॉप्स जो हैं इस ट्रेन के बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट 47 हैं, पर ड्यूरेशन बहुत ही कम है, शायद ही कोई रेलवे स्टेशन है जहाँ पे इसका ड्यूरेशन 10 या 12 या 15 मिनट रखा गया है। वैसे यहाँ पे पानी, रबड़ी और कचौड़ी, ये 3 चीज़ें मुझे दिख रही है, मिल रही है। रबड़ी थोड़ा सा फैंसी लग रहा है, शायद गूगल करता हूँ क्या रबड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, फिर रबड़ी लेते हैं, टेस्ट करते हैं। बहुत मशहूर है क्या यहाँ पे? हाँ रबड़ी हर जगह मिलेगी, एक दे दो, एक ग्लास, कैसे है कर दो, एक ग्लास कर दो। या यूजली हमारे यहाँ तो जलेबी मिलते रबड़ी के साथ, रबड़ी मैंने एक चम्मच खाई है, बहुत स्वादिष्ट है। वैसे विकास भाई ने बताया कि रबड़ी ये लोग बनाते नहीं है, रेडीमेड लेके आते हैं। भाई ने बताया कि जो दूध होता है आप दूध को जितना ज़्यादा आप जलाओगे उतना ज़्यादा ही थिक और उतना ही ज़्यादा ही टेस्टी बनता है ये। लाइन नंबर नंबर कभी आओ, जाओ। टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग है, और अगर ट्राई करना कभी अभी रोड से अगर कभी गुजरो या फिर यहाँ आओ तो प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के बीच में इनकी लॉरी खड़ी होती है, 32 नंबर, और इंजन के पास में होता आगे के साइड होता है, जरूर ट्राई करना। और ये देखो तो थिकनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इट शोज कि कितना ज़्यादा दूध को चलाया गया है, और जितनी थिकनेस होगी स्वादिष्ट उतना ही ज़्यादा होगा। आबू रोड में तोड़ तो ट्रेन चलती है, चलो भाई लोग चलते हैं। चलो भाई गेट तो बंद हो गया हमारा। ओ भाई, ओ,
सो गाइस वेलकम टू गुजरात यार। और ये पहला रेलवे स्टेशन है गुजरात के अंदर, सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और ट्रेन का हॉर्न भी हो चुका है, बहुत तेजी से निकल रहे अपन। सो स्टेशन का नाम है पालनपुर और यहाँ का स्टेशन कोड PNU है और ये अहमदाबाद डिवीजन के अंदर आता है। वैसे ये स्टेशन फुल इलेक्ट्रिफाइड है और यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म्स हैं। मेजर लाइंस की बात करें तो यहाँ से अहमदाबाद दिल्ली, जयपुर से अहमदाबाद एंड गांधीधाम से पालनपुर की बीच की लाइन है। सो ये कुछ मेजर लाइंस थी जो यहाँ से निकलती हैं और फिलहाल अभी ट्रेन निकल रही है तो यहाँ से हम चलते हैं, अब फटाफट बोर्ड करते हैं। तो महज 2 मिनट का स्टॉप था यहाँ पे और वहाँ से निकल चुके हैं अभी। और यहाँ से 3 जो मेजर रेल लाइन्स है जिसमें से एक है जो पालमपुर और गांधीधाम के बीच में है और अभी हम उसी रेल लाइन पे है जो कि पालमपुर और गांधीधाम के बीच में है। टाइम की बात करें तो टाइम हो रहा है करीब 2:04, 8 बजे का एक्सपेक्टेड टाइम है, मतलब करीब और 6 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में। वैसे बाहर काफ़ी अंधेरा तो मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा, लेकिन बाहर एक बहुत ही अच्छा सा कर्व है और कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर्व है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है हम पूरा राउंड घूम चुके हैं। अगर दिख रहा हो तो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम समवेयर इन गुजरात। और अभी कोई स्टेशन है, नाम शायद लाकड़िया है और अनऑफिशियल स्टॉप है, प्लान नहीं था, अनऑफिशियल स्टॉप है। कुछ ऐसा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म से 2 ही है शायद, ये नंबर 1 है, नंबर 2 इसके इस साइड है। ट्रैक्स की बात करें तो नंबर ऑफ ट्रैक्स यहाँ पे 4 हैं, 3 ये हैं, 1 पीछे है। और मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है। वैसे रेलवे ट्रैक पे आपने पत्थर बहुत बार देखे होंगे, बट अभी मुझे मिला कोयला, कोयला शाही देखा होगा यहाँ पे ट्रैक्स के बीचों बीच। अगर आप देखोगे ये देखो यहाँ पे कोयले पड़े हुए हैं और ये अंकल बता रहे हैं कि यहाँ पे इस राज्य के अंदर कोयले भी होते हैं, कहीं पे कोयले खदान हो कहीं पे, तो कोयले खदान वगैरह है। टाइम बहुत कम है कि जाके चेक करें, बट फिर कभी। गॉट दिस बॉर्डर फॉर 20 रुपीज़। मतलब ट्रेन के अंदर आपको सारी ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। आज एक नया ब्रांड ट्राई करने वाला हूँ मैं, ओमेक्स। बस काम चला हुआ है, जैसे मिली थी ट्रेन में वैसी है ना, ट्रेन में ऐसी मिलती है। देर से देख रहा था यहाँ पे जो टंकी लगी हुई है उसका जो पानी है पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, पूरा बाहर निकल रहा है, बट कोई भी नहीं है जो उसको ठीक करे। तो लेट्स ट्राई डूइंग दैट। कैसे ओवरफ्लो हो रही है, मुझे जाम पड़ा हुआ है। मेरा मानना है हर कुछ स्टेशन के बाद कोई आना चाहिए मेंटेन करने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेन चले हुए करीब 10 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और एक बार भी कोई मेंटेनेंस के लिए अब तक तो नहीं आया। पानी यहाँ पर है लेकिन ये ठीक हो चुका है, तो ये पानी यहाँ पे जाम नहीं हो रहा। और हर काम क्या है, हर काम हम किसी को छोड़ नहीं सकते, जैसे रेलवे के ऊपर कुछ काम हमें खुद भी करने पड़ते हैं, शायद लोग करते नहीं हैं, लेकिन ये छोटे मोटे काम हम खुद ही कर सकते हैं। बस थोड़े से इनिशिएटिव की जरूरत होती है, बाकी तो 2 मिनट लगे।
पहुंचे गांधीधाम और जो हमारा कोच है पूरा खाली हो चुका है भुज जाने के लिए, शायद ही कुछ लोग बचे हुए हैं। और ये अपनी ट्रेन, और यहाँ पे एक और ट्रेन खड़ी है जो कि है गांधीधाम पुरी। वैसे यहाँ का स्टेशन कोड GIMB है और ये जो स्टेशन है ये अहमदाबाद डिवीजन के अंदर आता है और वेस्टर्न जोन के अंदर आता है। वैसे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म हैं और 6 ट्रैक्स हैं। और हमारे यहाँ पे पूरे 20 मिनट का स्टॉप है। उसका रीज़न ये है कि जो लोकोमोटिव है वो यहाँ से निकाल के अब इस तरफ लगाया जाएगा क्योंकि भुज का रास्ता इस तरफ से है। तो चलते हैं और देखते हैं जब लोकोमोटिव निकाला जाएगा। और ये हमारे अंकल इंजन को अलग करने काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे सिर्फ बाइक खड़ी है सप्लाई होने के लिए और गिरी पड़ी है। सर अपना लगेज आप भेजते हो तो आपका लगेज इस तरीके से जाने वाला है। ये वड़ा पाव कैसे? 30 रुपए प्लेट का, 2 वड़ा 2 पाव। पाव गर्म नहीं है, बड़े गर्म है। सो कॉस्ट पड़ा हमारा सिर्फ 30 रुपए, 30 रुपए का। टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है। ये अपना वड़ा पाव है, पाव फ्राई वगैरह नहीं है, ऐसे ही है। वड़ा जो है वो थोड़ा गर्म लग रहा है, खराब भी नहीं है तो अच्छा है। साथ में एक मिर्ची भी है, कैसे खाते हैं पता नहीं है, बट शायद तोड़ के इसमें ऐसे डाल के। ये सही तरीके खाने का मुझे बताओ कोई। अगर वो मुझसे फीडबैक मांगे मैं ये बोलूँगा पाव को थोड़ा फ्राई कर, थोड़ा गर्म कर दो और स्वादिष्ट हो जाएगा। वैसे बड़ा पाव ऐसे ही होता है। वैसे गांधीधाम से 4 मेजर लाइंस है जो यहाँ से निकलती हैं। एक है गांधीधाम भुज जिस पे हम अभी जाने वाले हैं, एक है गांधीधाम कंडाल पोर्ट जो कि शायद सीधे निकलता है जो कि समुद्र के पास जो बंदरगाह है उसके पास में है। इसके अलावा एक है गांधीधाम पालमपुर जिससे हम आ रहे हैं, और जो आखिरी लाइन यहाँ से निकलती है वो है गांधीधाम से अहमदाबाद सीधे। एक काम करो मुझे एक वो दे दो, दूध दे दो अमूल का। और आप 40 साल से बना रहे हो? 40 साल से बना रहे हैं। बहुत साल, कितने का ये? 30 रुपये। वैसे ट्राई करते हैं कैसे है ये। और जो भाई पाव भाजी बेच रहे हैं, सॉरी जो भाई बड़ा पाव बेच रहे हैं वो बहुत टाइम से बना रहे हैं, कह रहे 40 साल से मैं यहीं पे बना रहा हूँ। और जो उनका पाव तो ख़त्म हो गया है, मतलब ट्रेन आए हुए 20 मिनट हुए उनके पास, पूरी प्लेटें भरी हुई थी आपने देखा, सारी पाव ख़त्म हो गई। अब जिसे भी चाहिए उसको सिर्फ बड़ा बड़ा मिल रहा है। सो गांधीधाम जंक्शन से निकल रहे हैं, यहाँ से भुज करीबन 1 से 1.5 घंटा मान लो, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीब 80 या 90 किलोमीटर तक है। ये देखो ये जो लाइन सीधे से आ रही है, सामने से आ रही है, ये है पालनपुर गांधीधाम जिससे हम आए हैं। और अभी हम यहाँ से लेफ्ट लेंगे, और लेफ्ट लेने के बाद हम दूसरे रूट पे जाएंगे जो रूट हमें लेके जाएगा भुज तक। ये वो ट्रैक है पालनपुर गांधीधाम, और यहाँ से लेफ्ट लेते हुए हम जा रहे हैं भुज की तरफ। सो गाइस सुबह के बजे 9:25, अपने टाइम से करीबन मान लो 30 मिनट देर हम पहुँचे हैं स्टेशन पे। और हमारे बगल में खड़ी है कोई ट्रेन है जो कि भुज से दादर यानी कि मुंबई के बीच में चलती है, और ये अपनी ट्रेन। खैर गाइस भुज हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, डेस्टिनेशन होने वाला है वाइट डेजर्ट कच्छ। सो बाहर निकलते हैं, कुछ प्लान्स नहीं है, कुछ नहीं पता कि कैसे पहुँचना है कच्छ, नहीं पता कि बस मिलती है कि नहीं मिलती है, वॉक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बाहर चल के देखते हैं, वो आप देखोगे नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। ये ब्लॉग यहीं तक था, आई होप मैंने इंटरेस्टिंग बना होगा ब्लॉग, आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो डू शेयर लाइक एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।